गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक लाइंस एंड एंगल। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड एक्सरसाइज 17 सी विच इज़ ऑन पेज नंबर 224 अप टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मतलब पेज नंबर 223 से हमने शुरू किया था एंड क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट किया है। नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में तीन पार्ट है, सो लेट्स डिस्कस टू पार्ट्स और तीसरा पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। कह रहा है इन ईच ऑफ द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो देखो सबसे पहले मैं पहली वाली फिगर बना रहा हूं, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स निकालना है, ये हमारा एक्स है। ठीक है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल हमारे पास गिवन है 35 डिग्री और ये एंगल हमारे पास गिवन है 65 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक ओपन फिगर है। मैंने कहा जब भी आपको ओपन फिगर मिलती है तो आप उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है, मैं इस पॉइंट से, ये हमारा पॉइंट गिवन है ई, मैं ई पॉइंट सर ई पॉइंट से एक लाइन बना रहा हूं जो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, और मैंने इसका नाम दिया ई एफ। तो देखो ए बी सी डी के पैरेलल, मैंने ई एफ एक लाइन बनाई जो ए बी के पैरेलल है, यानी ए बी ई एफ के पैरेलल, ए बी सी डी के पैरेलल, इसका मतलब ई एफ भी सी डी के पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब दी थ्री लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सो यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि ड्रॉ, ये ई है ना, तो ये ई नहीं आएगा, एक्स वाई कर दे रहे हैं इसको क्योंकि ई पॉइंट तो पहले से ही था। ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू ए बी, इट इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल। अब जैसे ये तीन लाइन पैरेलल हुई, ये पूरा एंगल जो एक्स था, ये देखो ब्रेक हो गया, एक एंगल ऊपर और एक एंगल नीचे। ऊपर वाले को बोला मैंने एंगल वन, नीचे वाले को मैंने बोला एंगल टू। इसका मतलब जो एक्स था वो अब एंगल वन और एंगल टू का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखो इस फिगर को मैं कुछ ऊपर वाली दो लाइनों के हिसाब से बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाई ए बी और मैंने एक लाइन बनाई एक्स वाई, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और ये आ गया आपका ट्रांसवर्सल, ये देखो ये ट्रांसवर्सल। अभी एक बच्चे कहेंगे सर ट्रांसवर्सल कैसे, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर लो, इस लाइन को नीचे एक्सटेंड कर लो, तो ये आपको ट्रांसवर्सल की तरह दिखने लगा। तो अगर ये एंगल 35 है और ये वाला एंगल हमने एंगल 1 बनाया, तो आप बता सकते हैं एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी, यस एंगल 1 विल बी 35। हाउ कम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड बी ई इज ट्रांसवर्सल, देयरफोर एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री। और ये ऐसा क्या हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मैं नीचे वाली दो लाइनें बना रहा हूँ, देखो नीचे वाली लाइन दो लाइनें, एक तो हो गई हमारी एक्स वाई और एक हो गई हमारी सी डी, और ये एक लाइन हमारी ट्रांसवर्सल है। कैसे, इसको ऊपर और नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, तो ये वाला एंगल बन रहा है एंगल 2 और ये वाला एंगल बन रहा है 65। तो क्या आप मुझे बता सकते हो एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी, यस एंगल 2 विल बी 65। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे एक्स वाई इज पैरेलल टू सी डी, एक्स वाई इज पैरेलल टू सी डी एंड ई डी इज ट्रांसवर्सल, देयरफोर एंगल 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री। और ऐसा क्यों हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो वी नो द वैल्यू ऑफ एंगल 1 और एंगल 2, तो एक्स निकालना है, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 35, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 65। ठीक है, तो 5 5 10 6 3 8 1 9, तो 5 5 10 6 3 9 1 10, 5 5 10 6 3 9 1 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री, यही हमें निकालना था। नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है वो आपको खुद करना है, वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस फिगर थोड़ी सी बदल गई है। आप इसमें ऑल्टरनेट को कॉन्सेप्ट लगाए, उसमें हो सकता है को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लग जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये सिर्फ
जो हमने तीन पेयर्स पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए हैं ये क्वेश्चंस, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहे हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये एंगल दे रखा है हमारे पास 55, ये एंगल दे रखा है हमारे पास 25। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ये एक्स था, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये वाला एक्स दे दिया है, ये पूरा एक्स, और ये पॉइंट दे दिया है ओ। तो इसमें भी क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू ए वी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैंने थ्रू ओ, ड्रॉ थ्रू ओ, मैंने इस पॉइंट से एक लाइन बनाई जो ए बी के पैरेलल, और इसका नाम दिया पी क्यू। तो देखो ए बी के पैरेलल पी क्यू और पी और ए बी के पैरेलल सी डी, इसका मतलब ए बी पी क्यू सी डी आपस में हो गई पैरेलल। अभी एक्स पूरा था, ये ब्रेकअप हो जाएगा, ये ऊपर वाला एंगल वन और नीचे वाला एंगल टू, इसका मतलब एक्स को हम लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू, ठीक है। अब इस फिगर को फिर से वैसे ही कर देंगे, पहले मैंने एक लाइन बनाई ऊपर वाली ए बी, और यहाँ पर एक मैंने लाइन बनाई पी क्यू, ये दोनों लाइनें हमारे पास क्या है पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल आ गया। तो ये अगर 55 है और ये एंगल 1 है, तो आप बता सकते हैं एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी, येस इट विल बी 180 माइनस 55, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड बी ओ इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 प्लस 55 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका जो नाम है वो होता है को इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब एंगल 1 कम्स आउट इक्वल टू 180 माइनस 55, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 125, 5 5 10 5 6 7 8, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 125 डिग्री। अब हम नीचे वाली फिगर बना रहे हैं, ये एक लाइन है हमारी पी क्यू और एक लाइन है हमारी सी डी, ये एक ट्रांसवर्सल आ गया। तो ये एंगल है एंगल 2 और ये एंगल है 25, तो हम लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी एंड ओ डी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 2 प्लस 25 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और ऐसा क्यों हुआ, को इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 25, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, और ये हो गया 155, यानी एंगल 2 कितना आ गया 155। अब नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2, यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो गया 125 प्लस 155, 55 10, 5 टू 7 एक 8, 12 280, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 280, इज दैट क्लियर। सो x कम्स आउट इक्वल टू 280। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड पार्ट बाय योरसेल्फ। नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हालांकि मैंने आप लोगों को एक बार होमवर्क के लिए दिया था, पर इसको मैं ही डिस्कस करा देता हूँ, क्योंकि मैं मान के चला हूँ आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं घर पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है, ठीक है, मैं पहले फिगर बना दे रहा हूँ। दिस इज पॉइंट ई, ये हमारा 20 डिग्री है, ये हमारा x डिग्री है, ये हमारा 130 डिग्री है, दिस इज b, a, e, d, c, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो ये भी एक ओपन फिगर, इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो इस लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। तो देखो कुछ इस तरीके से फिगर बन गई,
दिस इज़ वन लाइन, दिस इज़ अनदर लाइन एंड दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो अगर ये एंगल x है तो क्या आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? ये भी x होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस एंगल को मैंने नाम दे दिया एंगल वन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। सो हम लिखेंगे और इस पॉइंट को ए बी सी डी ई एफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी एफ, देयरफोर एंगल वन विल बी इक्वल टू एक्स, और ये क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, तो यहाँ पर मैं एक्स लिख दे रहा हूँ। अच्छा, अब एक बात देखो, इसको देखो, ये कुछ इस तरीके से फिगर है। ये एंगल 130 है, दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज एफ एंड दिस इज सी ई। वेन अ रे, अब ये आप ना, मैंने बोर्ड तो नहीं रोटेट कर सकता हूँ, अपनी कॉपी रोटेट करेंगे। तो वेन अ रे सेंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये अगर मैं इसको एंगल टू बोलूँ तो क्या एंगल टू प्लस 130 इज इक्वल टू 180 नहीं बनेगा? लीनियर पेयर नहीं बनेगा क्या ये? तो इट इज़ अ लीनियर पेयर। इसका मतलब एंगल टू कम्स आउट इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल टू बोला था, ये हमारा आ गया 50 डिग्री। अब देखो, क्या ये एक ट्राइंगल बन गया? ठीक है, दिस इज, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देते हैं, दिस इज 50, दिस इज 20 एंड दिस इज x। तो हम लिखेंगे x प्लस 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी x प्लस 70 कम्स आउट इक्वल टू 180, यानी x कम्स आउट इक्वल टू 180 माइनस 70, यानी x कम्स आउट इक्वल टू 110। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 110। और यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। x कम्स आउट इक्वल टू 110। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर एक्सरसाइज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आप अपने आप करके देखिएगा, ठीक है, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। 13th वाला मैं कराऊंगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 का ना पीछे हिंट्स में एक तरीके का सॉल्यूशन और दे रखा है, ठीक है। आप एक बार उसको भी देखिएगा कि कैसे उन लोगों ने यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है, ठीक है। तो एक बार करके देखिएगा, अगर वो हो जाता है आपसे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपने ये समझ लिया है इसी को रहने दीजिएगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ध्यान से देखना, बहुत खतरनाक फिगर है, पर जितनी खतरनाक फिगर होती है क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ द फिगर एंड क्लीन द बोर्ड। मीनवाइल यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 11। डेटा कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज ए बी, दिस इज पी क्यू। एक ये मैंने लाइन बना दी, ये एंगल है 75, ठीक है। दिस एंगल इज जी, दिस एंगल इज 20 डिग्री, ये हमारा एक्स है, ये 25 है और ये वाई है। ए बी और पी क्यू हमारा पैरेलल है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलो देखो ध्यान से, इस फिगर में तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं फिगर आपको दोबारा बना रहा हूँ। ये एक लाइन है ए बी और एक लाइन है पी क्यू, ये दोनों आपस में पैरेलल गिवन है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल का नाम कुछ दे नहीं रखा है, ई एफ दे रखा है। दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पॉइंट इज एफ। तो एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल है 75। अच्छा, अगर ये एंगल 75 है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 75 होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो, अगर ये 75 है, इसका मतलब ये पूरा भी 75 होगा, होगा कि नहीं होगा? सो हम लिखेंगे कि 75, दिस 75 इज इक्वल टू दिस एंगल। देखो ये 75 है तो ये पूरा 75 होगा, पर यहाँ पर इन्होंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया 25 और y में, तो 75 विल बी इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 75 विल बी इक्वल टू 25 प्लस y। और ऐसा क्यों लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल।
तो ये 75 है, इसका मतलब ये पूरा 75 हो जाएगा, तो पूरा 75 हो जाएगा, मतलब 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 75। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 माइनस 25, यानी y कम्स आउट इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, y आ गया हमारा 50, y निकालना तो y निकल गया। अब x निकालना है, ठीक है। अब देखो इस फिगर को मैं फिर से बना रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। ऐसी तो ये फिगर, ये एंगल कितना है 75, क्योंकि ये वाला 75 था। इसका मतलब अगर ये 75 है तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तो ये 105 हो जाएगा। सो दिस एंगल विल बी 105। ठीक है, तो दिस एंगल विल बी 105। कैसे, इसको हमने पूरे को बोल दिया एंगल 1, इस पूरे को बोल दे रहे हैं एंगल 1। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस 75 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल 1 प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब एंगल 1 कितना आ गया, 105 डिग्री। यानी ये पूरा एंगल कितना आ गया, 105। ठीक है, नाउ दिस एंगल इज 20 डिग्री और ये पूरा 105, तो क्या ये एंगल निकल जाएगा। सो अगर इसको मैंने 2 बोला, सो एंगल टू नहीं, इसको चलो इसको 2 ही बोल देते हैं। सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू 105, पूरा 105 है और ये 20 है, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, 105 माइनस 20। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 5, 10 में से 2 गया 8, एंगल 2 आ गया हमारा 85। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो देखो ये हो गया 85, हो गया ना। अब एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, क्या ये ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज 85, दिस इज x एंड दिस इज 25। सो वी नो दैट 85 प्लस 25 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 degree। इसका मतलब 5, 5, 10, 8, 2, 10, 11, 110 plus x is equal to 180 degree। इसका मतलब x comes out equal to 180 minus 110, यानी x comes out equal to 70 degree। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 degree। So we have to find the value of x and y। So x comes out equal to 70 and y comes out equal to 50, and this is our answer. Let me cross check the answer with the answer sheet. This is question number 11 of your exercise 17C. Okay, the answer is x is equal to 70 and y is equal to 50. Question number 12, you have to solve it by yourself, and that will be all for today. Thank you.